ओ भाई साहब, ये देखिए फ्रेंड्स, सच बोल रहे हैं कि अंदर घुसते के साथ ही एक सुकून सा महसूस हो रहा है। जैसे लग रहा है कि मतलब हम लोग को ऐसा लग रहा है कि हम आप लोग को बता नहीं सकते कि देख के कैसा लग रहा है। बहुत बड़ा है फ्रेंड्स, बहुत बड़ा। ये देखिए इधर पूजा हो रहा है फ्रेंड्स, ये आरती हो रहा है। ये 12 बजे से शायद यहाँ पे आरती का टाइमिंग है और ये आरती हो रहा है राधा और कृष्ण का। ओ भाई साहब, बहुत बड़ा है फ्रेंड्स, बन ही रहा है पीछे का ये, और हम लोग देखते हैं शायद मंदिर के अंदर फोन या कैमरा अलाउड है कि नहीं, पता नहीं हमको। ये पीछे फ्रेंड्स कोशिश करेंगे अंदर का व्यू आपको जरूर दें, अगर अलाउ रहेगा कैमरा अंदर तो। ऐसे तो जहाँ तक हमको पता है कि कैमरा अंदर अलाउ है नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे आप लोग के लिए। बने रहिए हमारे साथ, बहुत इंजॉय आ रहे फ्रेंड्स यहाँ पर। जो आने का बड़ी बात है कि मंदिर आने के बाद ना एक अलग ही मतलब शांति सा महसूस होता है, जो फील होता है ना वो मन एकदम ये पूरा शांत सा हो जाता है। फ्रेंड्स आप एक बार जरूर आइए, विजिट कीजिए यहाँ, देखिए कि आपको कैसा महसूस होता है। हमारा जो फीलिंग है वो हम आपको फीलिंग तो नहीं समझा सकते हैं, बट लेकिन आप एक बार आके देखिए, खुद से फील कीजिए आपको कैसा महसूस होता है। एक बार फ्रेंड्स यहाँ मस्ट विजिट कीजिए आप लोग, क्योंकि यहाँ आने के बाद जो सुकून मिलेगा ना हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है। अलग ही यहाँ पे शांति का माहौल है फ्रेंड्स, आपको आने के बाद कभी ऐसा लगेगा कि मतलब सारा टेंशन आपका खत्म हो जाएगा बस मंदिर के अंदर इंटर करते ही। बहुत बढ़िया व्यू है फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, ये जो मंदिर है इस्कॉन मंदिर, ये भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है, जो कि आपको पश्चिम बंगाल राज्य के नादिया डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ये आपको 130 किलोमीटर कोलकाता से डिस्टेंस है, और यहाँ पे आने के लिए आपको सबसे पहले सियालदह से अगर आते हैं तो कोई भी आप लोकल पकड़ लीजिए और आ जाइए। यह हिंदू धर्म का एक प्रसिद्ध मंदिर है, क्योंकि यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ है, जो कि कृष्ण और राधा का ही अवतार माना जाता है, और उसी के लिए ये मंदिर बना गया। और यहाँ पे लाखों श्रद्धालु हर साल आते हैं, अपना दर्शन करते हैं और मनोकामना पूर्ण करते हैं। हम लोग सच बता रहे हैं बहुत खुश है, यहाँ आने के बाद एक अलग ही शांति सा महसूस हो रहा, अलग ही सुकून महसूस हो रहा है। जब ये मंदिर बन के कम्प्लीट हो जाएगा तो हमको लगता है कि इंडिया का ये सबसे बेस्ट मंदिर तो होगा ही होगा, साथ में पूरे वर्ल्ड का भी सबसे बेस्ट मंदिर होगा, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है, जो डिजाइन है, वो बहुत ही भव्य है, जो कि आपको आकर्षण का एक बहुत बड़ा केंद्र हो जाएगा। ऐसे तो यहाँ पे आकर्षण का केंद्र है ही, लेकिन हमको लगता है जब ये मंदिर कंप्लीट हो जाएगा तो पूरा का पूरा ये ना एक बहुत ही अच्छा टूरिस्ट प्लेस हो जाएगा। हिंदू धर्म के लिए ये एक बहुत ही अच्छा है। ये टेम्पल बहुत ही खूबसूरत हमको लगा, और यहाँ बहुत ही शांति का माहौल है। हम लोग का आज का वीडियो, आज हम लोग इस्कॉन टेम्पल आए थे यहाँ घूमे। अगर यहाँ पे आपको एक दो दिन स्टे करना है तो आप स्टे भी कर सकते हैं, यहाँ पे अंदर ही आपको होटल्स मिल जाएगा, जिसमें कि आप एक दिन दो दिन जितना आप रह सके, और आपको हर चीज़ का उसके अंदर व्यवस्था मिल जाएगा। दोस्तों वैसे तो हम लोग को आज पूरा बंद था, जिसके वजह से हम लोग का कुछ दर्शन तो हो नहीं पाया ठीक से। अगली बार पूरा कोशिश करेंगे कि आपको हर चीज़ को बारीकी से दिखाएं। हम लोग जो आए हैं तो हमको लगता है गलत समय पर आ गए हैं, सारा मंदिर बंद है क्योंकि अभी काम चालू है मंदिर में, तो जिसके कारण हम अंदर जा नहीं पाए। ऐसे भी अंदर जाते भी तो कैमरा अलाउ नहीं था, तो और हम लोग यहाँ पार्क में बैठे हुए अभी,
ये इस्कॉन टेम्पल इधर, उसी के जस्ट अपोजिट साइड एक पार्क है छोटा सा बहुत बढ़िया सा, और इधर स्टे करने के लिए होटल भी है। तो और तो कुछ नहीं फ्रेंड्स, अभी तो 3:05 हो चुका है, अब यहाँ से हम निकलेंगे कचरा पार्क के लिए, और फिर मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी बहुत जल्द। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें भी आप मोटिवेट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, ताकि ये और भी वीडियो इस तरह हम ला सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में बाय टॉपिक के साथ। बाय।